जलंधर में पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर पर एक व्यक्ति ने दो दिन बंधक बनाने का आरोप लगा है, जिसको हाईकोर्ट के वरंट अफसर ने छुड़ा लिया है। जंजीरों में बंधे इस युवक का नाम फरहान आलम है, जिसका जलंधर बस स्टैंड में चार दुकानों का झगड़ा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब रोडवेज के जीएम हरजिंदर सिंह मिन्हास से चल रहा था। फरहान के भाई रेहान ने जीएम हरजिंदर सिंह मिन्हास पर अपने भाई को किडनैप करने का आरोप लगाया है, जिसका कहना है कि उसका भाई कल सुबह 11 बजे से लापता था, जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट में इसकी गुहार लगाई। जिस पर हाईकोर्ट ने वरंट अफसर भाग सिंह को भेजा, तो वरंट अफसर ने पंजाब रोडवेज डिपो के कमरे से फरहान को जंजीरों से बंधा पाया। शरीर पर काफी घाव थे, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने जीएम हरजिंदर सिंह मिन्हास सहित 5 व्यक्तियों पर बंधक बनाने का आरोप लगाया है। वरंट अफसर अपॉइंट हुए जस्टिस गुरु सिंह ने बोला उन्होंने रिकवर कवर किया। लड़के का नाम है फरहान, तो उन्होंने रिकवर किया किसी दुकान से। ਇਸ ਕਰਨਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਪੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ। ਹੁਣ ਵਰੰਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਰ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰੰਟ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਟਰ ਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। जलंधर से जाट टीवी न्यूज के लिए विक्की कंबोज की रिपोर्ट।